Cranston. A very, very warm welcome to the August gathering present out here. मैं दिपेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सबका कला की सुनहरी शाम जो है काल कोठरी के नाम। रियल लाइफ प्रो का सफर की शुरुआत 2014 में हमारे डायरेक्टर अखिलेश गुप्ता जी और शशि रावत जी द्वारा हुई। रियल लाइफ परिवार के विभाग हैं रियल लाइफ मीडिया एजुकेशनल ट्रस्ट। संस्थान का उद्देश्य बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगाना, उनके मीडिया के चहुंमुखी दुनिया से अवगत कराना। संस्थान मीडिया एवं प्रोडक्शन के साथ साथ एक्टिंग, फोटो, फोटोग्राफी, ग्राफिक एडिटिंग, डायरेक्शन एवं सिनेमेटोग्राफी के भी विभिन्न अनुशिक्षण प्रदान करता है। इसी के साथ रियल लाइफ परिवार विभिन्न शिक्षण एवं गैर शिक्षण संस्थानों हेतु डॉक्यूमेंट वीडियोज भी बनाता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच बहुत चुके हैं, अब मैं आमंत्रित करूंगा अखिलेश गुप्ता जी को केवीएन और प्रदीप बत्रा जी को स्वागत करें।
धन्यवाद सर। आज हम सब जिस कला की शाम के सारथी बने हैं, इसे कहा जाता है काल कोठरी। इस कला की माला के विभिन्न मोती हमारे बीच चलती अवगत होंगे, पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस माला के एक सूत्रधार शशि रावत जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर रील लाइफ ग्रुप की दे आए और हमें रील लाइफ परिवार से अवगत करें। शशि, चलने किया जाए
करता था कि जिन हवाओं को मैंने थपक्कर सुलाया वो एक दिन जलती हुई लू बनकर मेरे जिस्म को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारा प्यार एक धोखा था, एक फरेब था। आज इतनी बीच में उठने की हिम्मत तो नहीं करेगा कोई। सर रजत जी बता रहे थे आपको लेकर
रामायण महाभारत की इंडस्ट्री में गई है। अरे लिखिए, मिथ पर लिखिए, लेकिन उसे आपके जीवन से जोड़े, मिथ को मेटाफर बनाए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो लेखकों को दौरे पड़ते हैं, दौरे। पहले कबीर का दौरा पड़ता था, अब कर्ण का दौरा पड़ता है। आई कैन नेवर से सच इन अ पॉलिटिकल लैंग्वेज। सर, नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो, जरूर हो, लेकिन मांस पटके धन्य वाली राजनीति नहीं, जीवन से जुड़ी पॉलिटिक्स। अरे अब नहीं सहेंगे आपके गले गले नारों से निकलती राजनीति, समझदार हो गए हैं, सरकारें उखाड़ देखते हैं हमारे नाटक की क्या होगा। खैर, अपने नाटक की बात करते हैं, मुझे जरा पढ़ो तो स्पीच का आखिरी हिस्सा। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कोई नहीं बन सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। तभी वहां पर पहुंची एक माँ, अपना मृत शिशु गोद में उठाए विलाप करती माँ ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान मेरे बेटे ने दो दिन के जीवन में ऐसे कौन से पाप कर लिए जो मिला है उसे मृत्यु दंड। आप भगवान हैं तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को।
70 साल की लंबी उम्र है मेरी जितनी, लेकिन किसी ने आज तक नोटिस नहीं लिया। अरे एक लाइन तक नहीं लिखी उन पर, क्यों? क्योंकि उन्होंने सीढ़ी नहीं पकड़ी कभी किसी बात की। हमेशा हमेशा किसी जवाब को सिंपति के साथ अप्रोच करना चाहिए। एक हिस्सा और पढ़ देते हैं, कांता तुम बोलो तो नहीं, जिसमें पत्नी गुस्सा खा ली अपने आदर्शवादी पति से, वही जो नाटकों की तरह समाज में सुधार लाना चाहता है। कर दो बस हम सबको अपने आदर्शों की कारकुनी में एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा, तुम्हारे आदर्श हम सब। कांता तुम एक प्रेमिका की तरह बोल रही हो, एक पत्नी की तरह बोलो, एक ऐसी पत्नी की तरह जिसे परिवार की भूख ने इतना भयानक बना दिया है कि थिएटर उसकी सौत है सौत। मैं अपने परिवार से इतना नफरत नहीं करती जितना थिएटर से। रिमेंबर थिएटर इज आवर एनिमी नंबर वन। आप लोग यह सजा जारी रखो, मैं आता हूं। भैया कांता जी को क्या बता, पत्नी कैसे बोलती है? चार दीजिए नए लेकर। तुम्हारी तो हो चुकी है, तुम बता दो। मैं नहीं बता सकता, हमारी बीवी से हमारा झगड़ा ही नहीं होता। झूठ, बिल्कुल झूठ। बीवी और लड़ाई का क्रेज झूठ। बिल्कुल झूठ। दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे सुधारा जाए, महंगाई कैसे रोकी जाए, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला कैसे सुलझाया जाए, ये सब बड़े बड़े फैसले घर में हम करते हैं। और हमारी बीवी भाई, बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिल कराना है, किस रिश्तेदार के घर जाना है, रंगीन टीवी कब खरीदना है, ये छोटे छोटे फैसले हमारी बीवी करती है। अब कैसे होगी लड़ाई? हम शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। कौन कम तक यहाँ चाय पिलाने के लिए आता है? हम तो आते ही यहाँ पर आप सबका एक्टिंग दे सके, आप सबका नाटक दे सके और हम भी शाहरुख खान की तरह एक्टर बन सके। पैसे लिए हैं तो लौटा देंगे।
नहीं लाया, सात फेरे लिए हैं पूरे तक। तुम बाहर आते और मुझे गांव तो क्या सुई की नो
बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जाने
कौन से जन्म का विशाप बना देता है मंच का अभिनेता, और कोई भी तपस्या नहीं दिला सकती मूर्ति इस देवी अभिशाप से। अपने स्पेलर साइड पैक को खिलाने के लिए, अरे जिस उम्र में लड़के हाथों पर बैठे
Deputy Director of Job Creation.
पिछले साल आपने अपने पापा से जैसे एक्टर को पूछा दिया। अरे पॉल साहब, अब तो पूरे साल ही पुरस्कार बांटते रहते हैं।
बता दिया होता तो हम तो जुगान मान लगवा देते। भाई इतने डिबेट एक्टर और आप ये कुछ नहीं पता सर प्राइस
भाई। आपका कोई नाटक विदेश में स्टेज नहीं हुआ, फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है, क्यों? पता नहीं आज इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट है आपके तो स्पॉन्सर नहीं किया, क्यों? पता नहीं भाई, इतने ग्रेट एक्टर और आपको कुछ नहीं पता सर, भाई नहीं। अरे आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, एक लिमिटेड फील्ड में एक्सपर्ट होने से कोई सवाल थोड़े बन जाता भाई, अच्छे धोबी या एक अच्छे बड़े ही थे आप रामचरित मानस को बहुत बड़े कर सकते हैं, अब स्किल एंड एक्सपीरियंस इन अ लिमिटेड फील्ड ऑफ लाइफ कैन नेवर मेक अ मैन ग्रेट एंड कंप्लीट दैट सॉरी यू आर एन एक्टर ना, तो एक्टिंग की बात करते हैं, इतने सारे नाटकों में आपने काम किया है, जी रहे लोग अगर सिनेमा अथवा थिएटर में बैठ कर कुछ देर हंस ले, कुछ देर अपने दर्द भूल जाए, इसमें बुरा क्या है? कुछ भी बुरा कुछ बुरा नहीं भाई, अरे मनोरंजन के नाम पर लोगों की सोच को बुरा कर देना कुछ बुरा नहीं, फिर तो महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार आपके पसंद होंगे, जॉनी आपके फेवरेट एक्टर्स। जी सर, जैसे तैसे लोगों को खुश तो रखते हैं, तो फिर जैसे एक्टिंग की एक्टिंग करके दिखाएंगे ना, तो आप शराबी कभी ना देखना चाहते? हाँ कर सकते हैं तो दिखाइए। नहीं है आपका नाटक इतना बुरा, कहीं है कुछ जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा।
जब पकड़ में आ जाए तब बताना, अभी तो आप नाटक का बीच वाला सीन करा दे। वो रजत जी की कॉल यार, तू बहुत डरता है रजत से भाई, कुछ कॉन्फिडेंस पैदा कर, नहीं तो प्यारे जरूर निकाल दिया जाएगा। वैसे तू डरता ठीक है उससे भाई, क्या मर्द है बिना भाभी भिगो भिगो कर जूते मारती है, लेकिन तुम तक नहीं करता यार महेंद्र, तू कमीने का कमीना रहेगा, किसी की पर्सनल लाइफ को तो बख्श दिया कर, उसकी रामायण बंद करें, आपको नाटक का बीच वाला सीन करा दे। सच बोल रहे हैं,
Thank you.
नवीन जा रहे हैं अपनी बीवी को लेकर। हे भगवान, मुझे लगा शहर से चले गए। चलो तो अपनी स्क्रिप्ट उठाओ। ये नजर उसकी स्पीच का फिर से बोल देना यार। सर अभी तो याद भी कर कर बोल दियो। सर मुझको याद नहीं कौन तो। हाँ ठीक है तुम बोल रहे हो। बैठे रहिए आप लोग।
बोलो तुम बोलो। नहीं मानती है चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। नहीं अंग्रेजी में ही ठीक है, स्पीच का सारा रिदम मिल जाएगा। ऐसा करते हैं सीन लेते हैं। महेंद्र तुम जाओ एंट्री पर अभी। रजत तुम स्टेज के बीच में खड़े होगे। कांता तुम दूसरे दरवाजे पर। प्रहरी कोई सर्वनाश का समाचार लाया है, तुम सुनकर एकदम स्तब्ध हो जाओगे। क्लियर चलो स्टार्ट। राजन आज युद्ध क्षेत्र महेंद्र तुम दरवाजे के अंदर बिल्कुल नहीं आओगे। और बात सम्राट के कमरे में नहीं बल्कि सर आपने ब्लॉगिंग क्यों नहीं किया सर? ये ब्लॉगिंग ही तो कर रहा हूँ मेरे बाप। एंट्री ले। राजन आज उधर ध्यान दो। रजत तुम्हारा ध्यान पहले से दरवाजे की ओर होगा। तुम क्रांति गणों की आवाजें सुन चुके हो, जानते हो तुम कितनों का टेबल यूज आएगा। सर भूख लगी है। भूख लगी है खाओगे गाली खाओगे। रजत जाओ किसी के साथ बैठ खाना लेकर आओ। ये पूरा महीना रिहर्सल करने की रईसों वाली आदत मेरे साथ नहीं चलेगी। एक लड़का
लड़का था, उसकी टांगे नहीं एक लड़का था और उसकी टांगे नहीं रही, और बनना चाहता था वो अभिनेता क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस दलील जमाने में। उसका था अपना एक पहला संसार जादूगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच, पर मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मारी लाखों का अंबार, दुखों को दो देने वाली, हमारे दुखों को दो देने वाली ये जादू नगरी की थिएटर, पर दुनिया में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, एक लहू लुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया वो लड़का, देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस अपॉन स्पैरो। कला की कालकोट धू धू कर जलती कालकोट भी, कर गया जो प्रवेश जिसमें नहीं निकल सकता कभी बाहर, एक लंबा काला काला बाल, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण मात्र एक किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं, आखिर क्यों चुनते हैं हम इस काल कोठरी को अपने जाते हैं। दुख संताप क्रोध हिंसा द्वेष दिया होगा संतान ने, तार तार हो गए कपड़े, तरक्की बिजली बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर, हमें हमें किंग लियर। लंका में धारते रावण भी नम है और अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस है। जा मां, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ,
यहाँ आज तक कोई ना बना, कर दूंगा मैं जीवित तेरे मुक्ति। हाँ प्रसन्न, मात्र एक चुटकी राशि जीवित हो जाएगा उसका पुत्र। कहते वो आज भी शहर शहर द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला उसे वो घर, घर का चूल्हा जहाँ आज तक कोई ना पड़ा हो। नहीं देता ये संसार एक चुटकी राग, मात्र एक चुटकी राग। और इस मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं की महंगाई की मारी लाखों का अंबार। वो लड़का मर गया वो लड़का, मेरी स्पेशल यश मैंने करता
लेखक की पत्नी आंचल शर्मा, ये भी पहले कर चुके हैं आंचल शर्मा, और जो डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे आप आईआईटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। मीना की जो भूमिका निभाई, पहले मैंने उसको
चाहूंगा रक्षक जयंती से कि वो दो शब्द कहें आज की शाम के बारे में, नरेंद्र जी के बारे में, हमारे कलाकारों के बारे में। इसलिए आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि जो भी कहना था इस प्रस्तुति ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है। और जो मैं मानता हूँ कि नाटक है, कला है, वो समाज का आईना होते हैं, वो आज दिखा। पर मुझे एक क्वेश्चन ये भी लगा कि क्या अच्छाइयाँ या वैल्यूज को अप्रिसिएट करने वाले कम लोग हैं क्या, क्या वो काल कोठरी के अंदर कैद हो गई है? तो आज देख कर लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर और इसको देख कर लगता है कि अच्छाइयाँ अभी भी कायम है और बंद होंगी तो ये बाहर निकाल के लाएंगे ऐसे नाटक के माध्यम से। सभी बधाई के पात्र, सभी बधाई के पात्र। दोस्तों, ये वो प्रांगण है जिसमें मैंने अपने तकरीबन 40 साल आईआईटी में रिटायर होने से पहले बिताए और इस ऑडिटोरियम में मैं बहुत बार आया, बैठा, कई चीजें देखी। ये दो पात्र हमारी आईआईटी के ही हैं, जैसा बताया गया, ये मेरे गवाह हैं कि आज दुनिया में इन चीजों की कदर बड़ी कम हो गई है और लोग जाते नहीं। अभी कोई एक महीना पहले यहाँ स्टूडेंट्स ने फंक्शन कराया और एक नोबल लॉरियट को जर्मनी से बुलाया और मैं दाद देता हूँ आप सबकी के वहां की जो संख्या थी सुनने वालों की आपसे कम थी, तो आपने जो उनकी हौसला अफजाई की है वो बेहद अच्छी है। और ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देना ही जिंदगी में कला को जीवित रखता है। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें वक्त के साथ साथ मेहनत करते रहिए तो एक अंजाम तक जिंदगी जरूर पहुंचती है। वक्त एक ऐसी चीज है जिस पे भरोसा करके, मेहनत करके इंसान हर मंजिल को पा लेता है। और इसीलिए कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त भिखारी को भी हुजूर बना देता है। हुजूर भी नूर आप समझते हैं, चमक को कहते हैं, चमक को छीन भी सकता है अगर मेहनत ना करें, लेकिन एक आम आदमी को भी राजा भी बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त इसको हुजूर बना देता है। इसलिए वक्त की कर्द करना सीख है बंदे, क्योंकि वक्त ही कोयले को कोहनूर बना देता है। आप वक्त की कदर करिए और मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे नूर बन के जरूर निकलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बोलना चाहूंगा रामचरण चावला जी को कि वो आए और मंच की शोभा बढ़ाए। डॉक्टर गबन नारायण कपूर जी, वो शब्द चाहेंगे आप आज की शाम के लिए गए। इस नाटक के साथ मेरा करीब 40 साल का है। इसके लेखक स्वदेश दीपा कौल, हम 27 साल इकट्ठे पढ़ाते रहे। वो डीएमएन कॉलेज रादौर में अंबाला कैंट में और मैं एमएनएन कॉलेज यमुनानगर में, अक्सर मुलाकातें होती। स्वदेश दीपक मुख्य रूप से कहानीकार, उपन्यासकार और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। नाटक पढ़ा बाद में शुरू किया और तब शुरू किया जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया।
ऐसी राजनीति हुई कि उनको निकाल दिया गया और उनके सारे के सारे नाटक, ये जो दर्द है उसमें, ये उसी काल का है। मैं बार बार बहुत सारे उनके शब्द इन कानों से सुने और उसको उस विक्षिप्तता की स्थिति में देखा, महसूस किया। इसलिए ये जो हालात पेश किए आपने, मैं आपको मुबारक देता हूँ। आपने लेखक को जिंदा कर दिया। लफ्ज़ जो है वो तो वो एक शायर ने कहा है कि मुर्दा पड़े थे लफ्ज़ किताबों की कब्र में, मुर्दा पड़े थे लफ्ज़ किताबों की कब्र में, तुमने उन्हें छुआ और जिंदा कर दिया। आप सबने उन लफ्ज़ों को जिंदा किया, आप बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बधाई इस इंस्टीट्यूशन को है जिसने इस शहर में ऐसा काम शुरू किया जिस काम के बारे में आम आदमी बड़ा बेपरवाही से कहता, क्या है ये भी कोई काम है, ये भी है, ये भी कोई लाइन है। ऐसी में दीपक जलाना और नरेंद्र आहूजा हम तब से जान रहे हैं, अब तक करीब ऐसे 40 नाटकों का मंचन कर चुके हैं और जहाँ कहीं ये डूबती हुई नौका देखते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं कि तुम हट जाओ मैं संभालता हूँ। काल कोठरी का सफल मंचन और अति सफल मंचन, मैं सभी टीम को बधाई देना चाहूँगा, पूरी बधाई देना चाहूँगा। और नरेंद्र आहूजा जी के बारे में कुछ कहना मैं समझता हूँ कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। सभी पात्रों ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है और उसको सजीव किया है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो लोग पहली बार पढ़ाए और इतना अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है, उसके लिए वाकई वो बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सभी पात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो कला है, जो कलाकार है आपके अंदर, उसको जीवित रखे हमेशा। जिंदगी में जो भी करे, आगे बढ़े, खूब पैसा कमाए, वो अपनी जो है लाइफ का मिशन बनाए, एक कलाकार को जरूर जीवित रखे और इस कला को जो है आगे बढ़ा करें। जनता की तालियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इसमें मैं चाहूंगा कि मेरी लाइफ परिवार की ओर से प्रेम ने प्रदीप जी कलाकारों को सम्मानित करें। अभी एक स्मृति चिन्ह
हमारे परिवार की ओर से हम चाहेंगे शशि जी, अखिलेश जी, नरेंद्र जी और बाल जी प्रस्तुत करें हमारे विधायक महोदय। शायद आपको बीच में रोक दिया, बोलते नहीं, हम आप आशीर्वचन वचन चाहेंगे कि आप आशीर्वचन वचन अपने पूरे करें, आशीर्वाद अधूरा ना छोड़े। सब को धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर से दर्शकों का जिन्होंने इस नाटक को जिया और साथ को खास तौर से विभूषण महोदय बहुत बढ़िया से काम कर रहे थे। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच पहुंच चुके हैं जावेद जी, जावेद खान जी, सदा ये आशीर्वाद आप कलाकारों के लिए बहुत जरूरी है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए अतुलनीय है। मैं चाहूंगा डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद जी से कि वे आए और दो शब्द कहें हमारे एक मुहिम के बारे में जो हमने अच्छी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार महोदय से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी थिएटर नुक्कड़ जिंदा है, आज देखने को मिला है, आज लोग फिल्म देखते हैं, अपने बच्चों के साथ देखते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ नुक्कड़ के माध्यम से विदाउट माइक थिएटर का वास्तविक रूप जो गांव घरों में थिएटर चलता था, और वास्तव में अगर कुछ समाज को हमको मैसेज देना है तो आज का जो रियल लाइफ देखने को मिला, जिन्होंने अपने रियल लाइफ को समाज को देना चाहा, वास्तव में इस नाटक के माध्यम से दिया जा सकता है। कहा गया है मनोरंजन तो लोग करते हैं, लोक रंजन करते हैं, लेकिन लोक मंगल नहीं करते हैं, लेकिन लोक मंगल की भावनाएं, लोक मंगल की दिशा, लोक मंगल की सोच समाज को अगर देना हो तो आज की परिस्थिति में ऐसे ही नाटक दे सकता है। ऐसे कलाकारों के लिए मैं फिर से कहूंगा एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। वास्तव में सत्य हरिश्चंद्र नाटक आपने देखा होगा या सुना होगा, सब जानते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गांधी जी भी जानते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको उन्होंने सबको कहा भी गया, लेकिन जब उन्होंने सत्य राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा तो उस दिन से उन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया, संकल्प ले लिया, सत्य बोलने लगे। वास्तव में समाज में ऐसे बहुत सारे सीख हैं जो कलाकारों के माध्यम से दिया जा सकता है, वो कलाकार, लेकिन कलाकार को तैयार होने में, कलाकारों की साधना करने में, मैं एक कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ से लोक रंजन से लोक मंगल की धाराएं, इसी प्रकार की थीम पर जो समाज में एक नई दिशा दे दिया जा सके, ऐसे नाटक किए जाते हैं। तो वास्तव में अगर ऐसा नाटक समाज को दे तो वास्तव समाज एक समूह समाज बन सकता है, सभी समाज बन सकता है, स्वर्ग का अवतरण हो सकता है। वास्तव में अगर सोच बदल गई, आदमी वही करता है जो सोचता है, वही सोचता है जो करता है, वैसा ही बन जाता है। हम अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो हमारी सोच अच्छी बननी चाहिए, वो सोच हमारे कलाकारों के माध्यम से निकल सकती है, बन सकती है, पहुंच सकती है। कलाकारों को तैयार होने में, देखने में तो हम लोग एक बार ताली बजा दिए, दो घंटे में हमने नाटक को देख लिया, लेकिन इसी नाटक को तैयार करने में हो सकता है कि दो महीने गए होंगे। उनकी साधना को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रसाद सर। मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा अखिलेश जी से और शशि जी से और नरेंद्र जी से, वो सबसे पहले स्मृति चिन्ह एक याद शाम की भेंट करें रक्षक जैन जी को। डॉक्टर ए सी आना जी, स्मृति चिन्ह आज की शाम के नाम
हमारे परिवार की तरफ से आपको शुभे। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कंवर नायक कपूर जी को। सर आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, आप ऐसे ही हमें सुशोभित करते रहे अपनी उपस्थिति से। रियल लाइफ परिवार की ओर से आप हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद जी आपकी उपस्थिति हमारे लिए अतुलनीय है, असंखनीय है। धन्यवाद इस शाम को यादगार बनाने के। फिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दिस इज योर होस्ट द बेस्ट फादर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।